दोस्तों, आपने किसी ऑफिस या कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब पे अप्लाई किया है और आपका पहला दिन है और आपको वहाँ पर एक्सेल पे काम करना है। वहाँ पर आपको एक्सेल की पोस्ट पर रखा गया है, तो कुछ बेसिक जानकारी देंगे। जब भी आप पहले दिन एक्सेल पे काम करेंगे तो कैसे आपको सीट ओपन करनी है, उसके बाद क्या प्रोसेस करनी है, कैसे आपको डाटा टाइप करना है और कौन कौन सी बातों को आपको ध्यान रखना है जिससे आपका पहला दिन अच्छा हो। दोस्तों, एक्सेल पे वो लोग क्या काम कराएंगे वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो शुरुआत में स्टेप होती हैं वो यहाँ पर आपको फॉलो करनी होती है, है ना। वो कोई आपको नहीं बताएगा, आज की इस वीडियो में हम आपको वो बताने वाले हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं एक्सेल की या करने वाले हैं और आपका पहला दिन है या इन फ्यूचर आप करेंगे, तो जानने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से क्लास तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीसी कंप्यूटर हिंदी। दोस्तों, जब भी आप पहला दिन ऑफिस में बैठे, आप को एक्सेल शीट पर काम करने के लिए बोला जाए, आपको डाटा दिया जाए कि ये टाइप करके आपको प्रिंट निकालना है, मेल भी करना है और फाइल को सेव भी करना है, है ना। तो सारी स्टेप आज के इस वीडियो में फॉलो हो जाएंगी। उससे पहले आप क्या करेंगे, आपको अपने फाइल का एक लोकेशन देनी होगी कि आपका जो भी डाटा आप बनाएं वो कहाँ सेव हो। तो डेस्कटॉप आप ना सिलेक्ट कीजिए, मेरा सजेस्ट है आप दिस पीसी या माई कंप्यूटर में जाएँ, जो भी आप यूज कर रहे हैं विंडो, है ना। तो सिंपल सा आपके पास ड्राइवें आएंगी, ड्राइव आप कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए इसमें। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ बी ड्राइव, ओके। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपना एक फोल्डर बनाना होगा, ठीक है। तो सिंपल सा मैं राइट बटन क्लिक करता हूँ और आपको यहाँ पर अपना नाम डालना होगा, ठीक है। तो नेम मैं अपना डाल देता हूँ प्रमोद, ओके। एंड इस फोल्डर के बनाने के बाद आपको इसके अंदर चले जाना है। यहाँ पर आप एक और फोल्डर बनाएंगे, तो दोस्तों इसके अंदर आप यहाँ पर डेट डालेंगे, ठीक है। तो डेट क्या होगी, अगस्त। तो मैं डाल देता हूँ 8/21, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगस्त में जो भी काम करूँगा फाइल इसके अंदर होगी, ठीक है। तो मुझे कितना भी समय हो जाए, तो मुझे कहीं डाटा चाहिए तो मेरा पर्टिकुलर यहाँ पर डाटा मिल जाएगा। अब दोस्तों मैं ये क्यों बता रहा हूँ, दोस्तों आप अभी जॉब कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है। अगर कोई कंप्यूटर यूज करता है या अदर एम्प्लॉय आता है तो आपका डाटा आपको मिल जाए आपके नेम से। जैसे ही आप अपने नेम पर क्लिक करेंगे और उस डेट का डाटा चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो पहली प्रोसेस पहले दिन में आपको ये करनी है, है ना। तो यहाँ पर क्लोज कर देते हैं हम। क्लोज करने के बाद दोस्तों अब हम एक्सेल ओपन करेंगे। एक्सेल आपको डेस्कटॉप पर नहीं मिले कोई बात नहीं, आपको यहाँ पर सर्च बार में जाना है, यहाँ पर लिखना है एक्सेल। एक्सेल लिखने के बाद आपके सामने एक्सेल आ जाएगा सर्च बार में, सिंपल सा इसको आप ओपन कर लीजिए एंड इसको क्लोज करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम न्यू शीट लेंगे, क्योंकि हम नया काम स्टार्ट कर रहे हैं, पहला दिन हमारा ऑफिस का, है ना। तो इसको हम ओपन करते हैं, इस तरह से सीट आती है। अब दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है, जब भी आप एक्सेल पर काम करेंगे सेव करेंगे फाइल को। सेव कहाँ करेंगे, हमने पर्टिकुलर अपना फोल्डर बनाया नेम का और पर्टिकुलर डेट डाली है, यानी कि उस मंथ का जो भी डाटा होगा अगस्त 2021 का उसमें रहेगा। सिंपल से हम इस सीट को पहले सेव करते हैं, फाइल में जाते हैं, यहाँ पर मिलेगा सेव एज, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको ब्राउजर मिलेगा, इस पर क्लिक करते हैं और हम जाते हैं यहाँ पर ड्राइव के अंदर। तो ये है ड्राइव, तो फोल्डर हमने बी ड्राइव में बनाया, सिंपल से इस पर क्लिक करते हैं, देखते हैं यहाँ हमारा फोल्डर होगा। तो प्रमोद नाम का ये है, आपका जो भी नेम है फोल्डर सेलेक्ट कीजिए, हम इसके अंदर अपनी सीट को सेव करेंगे। तो सीट नेम क्या है, मैं यहाँ पर सीट का नेम देता हूँ अजय ट्रेडर्स। यहाँ से माल आया है अजय ट्रेडर्स का, मुझे यहाँ पर इसका डाटा बनाना है, है ना। तो अजय ट्रेडर्स का ये आ गया माल। अब यहाँ पर हम फाइल को सेव कर देते हैं, बस अब आपका अजय ट्रेडर्स के नाम से फाइल बन चुकी है एंड हमारे पर्टिकुलर फोल्डर में सेव हो चुकी है। अब हम डाटा लिखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम टाइप करते हैं अजय ट्रेडर्स। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पहले टाइप कर लेने मैटर, सेटिंग में आपको बाद में सिखाऊंगा, ठीक है। एंड अजय ट्रेडर्स लिखने के बाद हम यहाँ पर एसएन लिख देते हैं,
ठीक है। एंड यहाँ पर प्रोडक्ट नेम लिख देते हैं एंड सेकंड में क्वांटिटी लिख देते हैं एंड थर्ड में हम लिख देते हैं यहाँ पर रेट और फोर्थ में लिख देते हैं अमाउंट। अब यहाँ पर आपको एक टाइप करना है और दो टाइप करना है, उसके बाद इस सीरियल नंबर को आपको ड्रैग कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं प्रोडक्ट नेम एंड क्वांटिटी लिख देता हूँ, है ना, उसके बाद हम सेटिंग करेंगे। तो प्रोडक्ट नेम देखिए यहाँ पर हम जल्दी लिख लेता हूँ, आप देखते चलिए। तो देखिए यहाँ पर अमाउंट लिख दिया हमने, है ना। अब दोस्तों इसकी सेटिंग कर लेते हैं, सेटिंग कैसे करते हैं, फिर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। अजय ट्रेडर्स को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ तक ले लेते हैं, ठीक है, और मर्ज कर देते हैं दोस्तों, है ना। मर्ज करने के बाद यहाँ से आपको इसको थोड़ा ड्रैग कर देना है, ड्रैग करने के बाद इनको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर सेंटर कर देना है। एंड दोस्तों आपको पूरे को सिलेक्ट करना है फिर, और यहाँ पर फॉन्ट को कर लेना है आपको 14 या 16, जो भी आप रखना चाहें आप रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ 16, ओके। एंड दोस्तों यहाँ से हम इसको ड्रैग कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी थोड़ा मैटर कट रहा है, इसको भी सही कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ से हम इनको सेंटर कर देते हैं सभी को। एंड टोटल अमाउंट निकालने के लिए हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, आपने थोड़ा बहुत एक्सेल सीखा होगा, जैसा कि आप ऑफिस में काम करने आए हैं तो थोड़ा बहुत तो आपको ज्ञान होगा। तो इक्वल दबाते हैं और यहाँ पर 250 को सिलेक्ट करते हैं एंड यहाँ पर स्टार की दबाते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई वाला। एंड यहाँ पर क्वांटिटी को सिलेक्ट करते हैं और इंटर करते हैं, ठीक है। तो कैसे भी आप करेंगे आपका अमाउंट आ जाएगा टोटल। एंड यहाँ से आपको ड्रैग कर देना है, ये सभी के टोटल आ जाएंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्रोडक्ट कितने के आए, ओके। दूसरी बात दोस्तों आपको यहाँ पर लिख देना है ग्रांड टोटल, और जो भी आपको लिखना है लैंग्वेज आप लिख सकते हैं, ओके। एंड यहाँ से हम इसको मर्ज कर देते हैं और रेफ टैक्स कर देते हैं, ओके। एंड यहाँ पर हम ग्राउंड टोटल देंगे, तो ग्राउंड टोटल कैसे, तो सिंपल सा यहाँ पर इक्वल दबाते हैं, सम ब्रैकेट ओपन करते हैं, सभी को सिलेक्ट करते एक बार में और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और इंटर दबाते हैं। तो यहाँ पर टोटल अमाउंट आ चुका है और इसको हम मर्ज कर देते हैं, ठीक है, और इसका फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारी डाटा तैयार हो चुका है एंड इसके अंदर हम कॉलम डाल देते हैं। सिंपल से स्विच पर क्लिक करते हैं और यहाँ से कॉलम डाल देते हैं। अब दोस्तों अगर लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो सेव की कोई ज़रूरत नहीं है, आप कंटिन्यू 2 मिनट या 3 मिनट फाइल को सेव करते चले कंट्रोल एस दबाकर, ठीक है। आपको कंट्रोल एस दबाना है, फाइल सेव होती जाएगी 2 या 3 मिनट में आपको करने करना है। और दूसरी बात दोस्तों यहाँ से आपको इनको बोल्ड कर देना है और यहाँ से भी बोल्ड कर देना है, ओके। एंड दोस्तों इसको भी आप बोल्ड कर लीजिए, ठीक है। एंड यहाँ पर फिर से आप सेव कर देंगे। अब दोस्तों आपको बोला गया है कि इसका प्रिंट आउट भी चाहिए हमको, है ना। तो उसके लिए दोस्तों आपको एरिया सेलेक्ट कर लेना है। एरिया सेलेक्ट करने के बाद आपको व्यू में जाना है। व्यू में जाने के बाद पेज ब्रेक पे आपको क्लिक कर देना है। पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो ये पेज सेटअप हो जाएगा। यहाँ पर मैं एक सीट और खोल के दिखाता हूँ, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, आपको भी फेस करनी होगी। उससे पहले मैं एग्जाम्पल में बता ही देता हूँ आपको। सिंपल से इसको क्लोज करते हैं एंड यहाँ पर एक सीट खोल लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक की। तो यहाँ पर दोस्तों हम जाते हैं प्रिंट में, यहाँ पर प्रिंट व्यू चेक करते हैं तो ये मैटर कट रहा है ना। तो देखिए लास्ट वाली सेल नहीं आ रही है, ठीक है। तो आपको बैक जाना है एंड यहाँ पर व्यू आएगा, व्यू पर क्लिक करके आपको पेज ब्रेक कर देना है। पेज ब्रेक करने के बाद देखिए ये आपका प्रिंट में नहीं आएगा, तो उसके लिए आपको ये लाइन को इधर खिसकाना होगा ब्लू वाली को, एंड फिर से एक लाइन और आएगी डॉट डॉट की ब्लू, इसको भी आपको राइट साइड खिसका देना है, ठीक है। अब ये आपका प्रिंट सही आएगा, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए है ना। तो कहने का मतलब ये है अभी इस एक्सेल शीट में इतना डाटा नहीं है कि मैटर से बाहर जाए, है ना। तो ये मैंने आपको प्रैक्टिस में बता दिया, जब भी आप टाइप करेंगे मैटर बड़ा टाइप करेंगे। मैं यहाँ
प्रैक्टिस के लिए आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैटर छोटा टाइप किया है ना। बड़ा करेंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। तो आपको बस यही करना है, ब्लू लाइन को खिसका देना है, ठीक है। तो इतना करने के बाद आप जाएंगे यहाँ पर फाइल में। फाइल में जाने के बाद यहाँ पर मिलेगा प्रिंट, प्रिंट पे आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए ये आ रहा है, अभी छोटा मैटर है, इसी वजह से आपको थोड़ा ठीक नहीं लग रहा होगा। मैं आपको एग्जांपल के, आपको मैं प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ। एंड दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा लेटर लीगल, आपको किस पेजेस पर निकालना है। आप यहाँ से डार्टी पेज यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया, आप देख लेना, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर मार्जिन, दोस्तों अगर आप लेटर हेड पर निकाल रहे हो तो ऊपर का मार्जिन आपको छोड़ना होगा, और यहाँ से आपको हॉरिजेंटल सॉरी एंड वर्टिकल करना होगा, हॉरिजेंटल करना होगा, और यहाँ से मार्जिन को आपको छोड़ देना होगा अगर आपका मैटर ज़्यादा है तो, है ना। तो सिंपल सा आप बीच में लेंगे तो सेंटर में भी आ सकता है। अगर आप ऊपर रखना चाहें तो वहाँ से आप इसको आप उठा दीजिए, ठीक है, तो ऊपर भी रख सकती हैं, ठीक है। तो आपको अगर मार्जिन छोड़ना है इसमें तो सिंपल से इस पर क्लिक करेंगे। तो कितने का मार्जिन छोड़ना है, तो यहाँ पर आप जैसे मुझे छोड़ना है 5 इंच का, 5 का जो भी छोड़ना है, हाँ तो आप देख लेना, आप छोड़ सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पर प्रिंट है, प्रिंट पे आप कमांड दे सकते हो। उससे पहले आप प्रिंटर सेट कर लीजिए, आपका कौन सा प्रिंटर ऑन है, कौन सा प्रिंटर है, तो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए डिफॉल्टेड प्रिंटर को, ठीक है। ऑफिस में जो भी प्रिंटर है आप देख लीजिए, ठीक। तो यहाँ पर हमने सीट को आपको बता दिया बनाना, उसका पेज सेटअप करना, ऐप प्रिंट निकालना। अब दोस्तों आप चाहते हो कि मेरी सीट को कोई भी ओपन नहीं कर सके, है ना। तो उसके लिए दोस्तों आप इसके अंदर पासवर्ड लगा सकते हैं। पासवर्ड कैसे लगाएंगे, देखिए मैं आपको पासवर्ड लगाना बता देता हूँ। सिंपल सा इस पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर मिलेगा प्रोडक्ट वर्कबुक, इस पर क्लिक करेंगे इनक्रिप्ट विद पासवर्ड। दोस्तों ऑफिस में काफ़ी लोग होते हैं, एक दूसरे का डाटा देखते हैं, तो आप पासवर्ड लगा दीजिए, नो प्रॉब्लम। 1 2 3 हम पासवर्ड लगाते हैं, और एक को लगाते हैं 1 2 3, ठीक है, एंड ओके कर देते हैं। पासवर्ड लगाने के बाद आपको फाइल सेव जरूर करना है, तो आपको कंट्रोल एस दबा देना है ना। तो यहाँ पर हमारी प्रोडक्ट हो चुकी है, प्रिंट भी दे दिया हमने, सारे काम हो चुके। हम इस फाइल को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। क्लोज करने के बाद दोस्तों अब आपको ओपन करना है फिर से, तो दिस पीसीए में जाएंगे हम। दूसरे दिन आप ऑफिस में आते हैं, एंड यहाँ पर बी ड्राइव में थी, और यहाँ पर थी हमारी प्रमोद के नाम से, जो भी आपका नेम है, ये थी इस दिनांक को हमने बनाई थी डेट में, और इसको हम ओपन कर लेंगे। अभी ये ओपन नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमने इसके अंदर पासवर्ड लगाया है, ठीक है। अब दोस्तों आपने यहाँ पर सारी चीज़ें सीख ली है ना, जो बेसिक लेवल की हैं, पूरी नहीं, एक्सेल तो काफ़ी बड़ा है। अब दोस्तों आपको मेल करना है, आपके बॉस बोलते हैं इस फाइल को आपने प्रिंट आउट निकाल के दिया है, आप मेल भी कर दीजिए, ठीक है। तो पर्टिकुलर कोई XYZ मेल है तो आप कर सकते हैं। तो मेल करने के लिए दोस्तों आपको गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है, एंड यहां से आपको अपने जीमेल को ओपन कर लेना है, एंड मेल भेजने के लिए आप कंपोज पे क्लिक करेंगे। यहां पर किसको मेल भेज रहे हैं आप वो डालिए, है ना। तो मैं यहां पर एक पर्सन को मेल भेज रहा हूं, जैसे कि उनका ईमेल आईडी ये है, है ना। सब्जेक्ट में आप क्या डाल रहे हो, अजय टेडर्स, एंड आप कुछ मैसेज भेजना चाहें तो भेज सकते हैं। अब यहाँ पर हम फाइल अटैच करेंगे, सिंपल सा अटैच फाइल्स पर क्लिक करते हैं। आपकी फाइल कहाँ पर है, हमारी फाइल है बी ड्राइव में, पर्टिकुलर नेम मैं प्रमोद वाली को खोल लेता हूँ, जो हमारा नेम है, आपका जो भी है, और इस फाइल को हम अपलोड कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए ये फाइल अपलोड हो रही है, होने दीजिए इसको। एंड फाइल अपलोड होने के बाद सेंड पे आपको क्लिक कर देना है। सेंड पे क्लिक करने के बाद आपको चेक करना है ये फाइल सेंड हुई है कि नहीं। तो उसके लिए आपको यहाँ मिलेगा लेफ्ट साइड में सेंड फंक्शन, इस पे आपको क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पर आएगा सेंड, तो समझिए फाइल पहुँच चुकी है ना। तो इस तरह से हम एक्सेस शीट को मेल करते हैं। अगर दोस्तों पहला दिन है तो कुछ बेसिक जानकारी नहीं है, तो आप इस तरह से काम कर सकते हैं। दोस्तों जब भी ऑफिस में काम होता है तो मैं आपको नहीं बता सकता कि आप क्या करेंगे, बॉस आपको क्या देगा, ठीक है, कि स्कूल में है, कंपनी में, ऑफिस में, तो ये मैं नहीं बता सकता। यहाँ पर मैं बेसिक जानकारी देना चाह रहा था, जब भी ऑफिस में पहला दिन हो तो कैसे काम करेंगे। तो सर मैंने आपको बताया, पहले आपको अपने कंप्यूटर के नेम का फोल्डर बनाना है, उसके बाद फाइल्स की डेट बनानी है, फाइल सेव करनी है, डाटा टाइप करना है, पेज सेटअप करना है, प्रिंट निकालना है,
प्रिंट निकालने के बाद फाइल को प्रोटेक्ट करने के लिए पासवर्ड रखिए, क्योंकि अदर एम्प्लॉय भी आपकी फाइल देख सकते हैं या कुछ भी हो सकता है ना। उसके बाद आपको अगर मेल करना है, बॉस आपको बोले तो मेल भी कर सकते हैं। तो कुछ बेसिक जानकारी होती है छोटी मोटी। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप जाएंगे हमारे चैनल के अंदर एंड यहाँ पर प्लेलिस्ट मिलेगी आपको। यहाँ पर आपको मिलेगा एक्सेल की प्लेलिस्ट, आप ये देख लीजिए एक्सेल की प्लेलिस्ट को। इससे ये होगा दोस्तों आपके छोटे मोटे जो क्वेश्चन है वो क्लियर होते जाएंगे, है ना। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए फ्रेंड। थैंक्स एंड बाय बाय।